नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। भाई दिन भर इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, तो कुछ चीज़ें जिन पे हो सकता है आपका ध्यान ना गया हो उन्हें आप जान लीजिए। पहली खबर, महाराष्ट्र चुनाव। बहुत ही झोलम झोल के बाद सरकार बनी, किसकी? शिवसेना, NCP और कांग्रेस की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री। शपथ ली गई। कांग्रेस के अमित देशमुख और अशोक चवन ने भी शपथ ली। स्टेट कैबिनेट में मंत्री की शपथ लेने वाले आदित्य ठाकरे अपने परिवार से पहले सदस्य बने। अब ये तो हुई खबर, अब इस खबर में खास बात क्या है? वो ये कि जब आदित्य शपथ ले रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ का नाम अपने पिता के नाम से पहले रखा। शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे। खास खबर इसलिए है क्योंकि मराठी संस्कृति में बच्चे अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जरूर लगाते हैं, इसमें माँ का नाम लगाने का चलन नहीं है। लेकिन आदित्य ने अपनी माँ का नाम अपने नाम के साथ लेकर वो भी पिता से पहले एक बहुत ही प्यारा उदाहरण पेश किया है। दूसरी खबर, वीडियो बनाने के चक्कर में लोग किस हद तक जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेना या फिर टिकटॉक जैसे ऐप्स के लिए वीडियो बनाना शगल है, करते हैं लोग। लेकिन इसी चक्कर में जान गंवाने वालों की या घायल होने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे ही लोगों को लेकर रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में एक वीडियो है जिसमें एक लड़का ट्रेन के गेट से बाहर झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेन के अंदर खिड़की के पास बैठा उसका दोस्त वीडियो बना रहा है। आगे क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। वीडियो शायद आपको थोड़ा बदहवास कर सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही देखें। इस तरह का ये पहला कोई वीडियो नहीं है, इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें इस तरह के स्टंट करते हुए लोग घायल हुए हैं, कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस तरह के स्टंट ना करें, गैर कानूनी तो है ही, जान भी जा सकती है। जान नहीं भी गई तो बुरी तरह से घायल भी हो सकते हैं। अब तीसरी खबर, कैप्टन ललिता और कैप्टन अमनदीप दोनों सेना में डॉक्टर, 172 मिलिट्री हॉस्पिटल का हिस्सा। दोनों हावड़ा एक्सप्रेस से सफर कर रही थी, तभी उस ट्रेन में सफर कर रही एक महिला को लेबर पेन शुरू हो गए। आसपास सभी लोग घबरा गए, मदद करने वाला भी कोई नहीं था। महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस बात की खबर कैप्टन ललिता और कैप्टन अमनदीप तक पहुंची। दोनों खबर मिलते ही महिला की मदद के लिए पहुंच गए। चलती ट्रेन में बच्चे की डिलीवरी करवाई, ऊपर से बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था। डिलीवरी मुश्किल थी पर दोनों ने सफलतापूर्वक ये डिलीवरी करवाई। इस पूरे वाक्य की जानकारी इंडियन आर्मी एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने ट्विटर पर शेयर की। इस पोस्ट के बाद ट्विटर पर दोनों अफसरों को बधाई देने वालों का तांता लग गया। हर कोई इन पर गर्व महसूस कर रहा था और होना भी चाहिए। अब आते हैं चौथी खबर पर, जोधपुर के मंडोर थाने का मामला है। यहाँ एक लड़के ने शिकायत दर्ज करवाई। उस शिकायत के मुताबिक वो लड़का यूपी के कानपुर में रहता है। 27 दिसंबर को अपने भाई से मिलने जोधपुर आया था। उसने देखा कि सड़क पर एक कुत्ता बुरी तरह जख्मी पड़ा है, शायद उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उसके दो पैर जख्मी हो गए थे। कुत्ते की मदद के लिए लड़के ने गूगल पर हेल्पलाइन नंबर खोजे। एक नंबर उसे मिला जिस पर उसने कॉल किया और कुत्ते की हालत के बारे में बताया। उसे कहा गया कि उसे एक लिंक भेजा जाएगा जिस पर उसे क्लिक करना होगा और उसके अकाउंट से चार्ज के तौर पर 10 रुपए काट दिए जाएंगे। लड़के ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया उसके अकाउंट से 3 बार में 50,000 रुपए कट गए। लड़के ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। जाते जाते एक खबर सऊदी अरब से, पिछले एक सप्ताह के अंदर सऊदी अरब में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से 120 पर पब्लिक डिसेंसी के उल्लंघन का इल्जाम है। मतलब इन पर आरोप है कि इन्होंने पब्लिक जगहों पर शऊर नहीं दिखाया, अदब के कपड़े नहीं पहने। सोचिए, कपड़ों की वजह से किसी को जेल भेज दिया जाए, ये अपने आप में कितना दुखद है। खबरों के मुताबिक सामाजिक नियम कायदों में छूट दिए जाने की शुरुआत के बाद ये पहली दफा डिसेंसी जैसे आरोपों में इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। पब्लिक डिसेंसी का दायरा काफी अनिश्चित है, ऐसे में कई बार सहज समझी जाने वाली चीजें भी अभ्रत ठहरा दी जाती हैं। आरोप है कि कई मामलों में ये पुलिस की मर्जी पर तय होता है कि वो किसे डिसेंट मान रहे हैं, और ये अपने आप में काफी डराने वाली बात है। चलिए अब मिलेंगे हम आपसे अगले साल। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।